Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing very great. तो आज हम करने वाले हैं ब्राइडल ट्रांसफॉर्मेशन और हम मेकअप करने वाले हैं बारात का. मजे की बात यह है कि वीडियो को मैंने कट नहीं किया है, जिस तरह से रॉ और अनफिल्टर्ड जो है मैंने क्लिप्स आपके सामने रखी हैं. कोई किसी किस्म का फिल्टर अप्लाई नहीं किया हुआ है, सिर्फ सनलाइट है, कोई रिंग लाइट नहीं है. सारा मेकअप स्टेप बाय स्टेप मैं करने वाली हूँ. प्रोडक्ट्स के नाम मैं साथ साथ बताती जाऊँगी. तो सबसे पहले मैंने इनका फेस मॉइस्चराइज किया, उसके बाद एपीके का ये प्राइमर लगाया. प्राइमर बहुत अच्छा है. और इसके बाद मैं इनको कंसील कर रही हूँ और मैं एक ऑरेंज कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ इनकी डार्क सर्कल्स पे. हल्के हल्के से डार्क सर्कल्स थे और अराउंड दी नोज और अराउंड दी माउथ जो है इनके पिगमेंटेशन थी, तो वहाँ मैंने ये ऑरेंज करेक्टर जो है अप्लाई किया है. आप ऑरेंज लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकती हैं और चाइनीज स्टिक होती है क्रायलोन में, आप वो भी अप्लाई कर सकती हैं. फिर से ऐसे करना है अच्छी तरह से ब्लेंड. ब्लेंड करने के लिए मैं एक डैम्प स्पंज यूज़ कर रही हूँ. आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, आप पफ भी यूज़ कर सकते हैं. बस आपने ब्लेंड अच्छी तरह से करना है. आप अपनी फिंगर का यूज़ भी कर सकते हैं, फिंगर से भी बहुत अच्छा ब्लेंड होता है. मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद, प्राइमर अप्लाई करने के बाद, कंसीलिंग करने के बाद अब बारी आती है स्टिक अप्लाई करने की. तो मैं यहाँ पर FS 45 नंबर अप्लाई कर रही हूँ, क्रिस्टीन की. ये टीवी पेंट स्टिक है और मुझे इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा पसंद है. क्रायलोन की टीवी पेंट स्टिक की भी कवरेज बहुत अच्छी होती है. आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. इसे पहले मैं अच्छी तरह से फिंगर से जो है मेल्ट करूँगी स्किन में अच्छी तरह, ताकि एब्जॉर्ब हो जाए. फिंगर का यूज़ करते करते आपने इसे अच्छी तरह से स्किन में एब्जॉर्ब करना है, ब्लेंड करना है, बिल्कुल स्किन में बिठा देना है. जितनी अच्छी तरह से आपकी ये स्टिक बैठी होगी, मेकअप करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है आपका बेस का अच्छा होना. तो बेस जितनी अच्छी आपकी बैठी हुई होगी, स्मूथ होगी, अच्छी लगेगी, उतना ही आपका मेकअप फ्लॉलेस लगेगा. इसे ब्लेंड करने के लिए ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे बेहतर लगता है कि फिंगर की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है स्किन में जो है. आपकी फिंगर की वॉर्म से अच्छी तरह से स्किन में इसके स्टिक जो है ब्लेंड हो जाती है. उसके बाद जो है आपने किसी भी स्पंज की मदद से जो है इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है और कोशिश करनी है कि आपका जो स्पंज हो वो ड्राई हो. डैम स्पंज से आपकी सारी स्टिक उतर जाएगी. और इसके लिए आपने ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल यूज़ नहीं करना. डैम ब्यूटी ब्लेंडर यानी गीला ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है वो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना. वो आपकी स्टिक जो होता है वो काट देता है, अपनी जगह से गायब कर देता है. बहुत सारे लोग ये मसला लेके आते हैं कि हमारी जो स्टिक है हम अप्लाई करते हैं लेकिन वो जगह जगह से उतर जाती है. उसका रीज़न यही होता है कि आप उसे जो है डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से या डैम्प स्पंज से अपनी स्टिक को ब्लेंड कर रहे होते हैं, तो वो जहाँ जहाँ पर आप ब्लेंड कर रहे होते हैं वहाँ से वो उतरनी और उखड़नी शुरू हो जाती है. थोड़ी सी और कवरेज चाहिए थी तो मैंने यहाँ पर क्रायलोन की टीवी पेंट स्टिक इन द शेड आइवरी यूज़ की है, ताकि बेस जो है एक स्मूथ, एक अच्छा सा टेक्सचर लेकर आए. तो फिर मैं इसे यहाँ पर करूँगी अच्छी तरह से ब्लेंड और आपने स्किन में अच्छी तरह से इसे बिठा देना है. स्मूथ लगनी चाहिए स्किन. अच्छा, आपने कभी भी एक कलर का जो है ब्राइडल में बेस अप्लाई नहीं करना, यानी आपने एक कलर की स्टिक अप्लाई नहीं करनी. मैंने FS 45 के बाद आइवरी शेड मिक्स किया ताकि मेरी बेस बहुत अच्छी तरह से बन जाए. उसके बाद मैं एक लिक्विड फाउंडेशन लूँगी और लिक्विड फाउंडेशन में यहाँ पार्टी क्वीन की यूज़ कर रही हूँ. फुल कवरेज फाउंडेशन है, मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड है. मैंने बहुत ज़्यादा ये यूज़ की है और मैं इसे दोबारा भी बाय करूँगी. मुझे ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगती है, अच्छी लगती है. आपको 600-700 रुपीस में मिल जाती है और कंसील प्लस परफेक्ट है और शेड है इसका नेचुरल और बिल्कुल फुल कवरेज फाउंडेशन है ब्राइडल बेस पार्टी बेस के लिए, तो ये परफेक्ट है. तो आपने फिंगर्स की मदद से अच्छी तरह से स्किन में बिठा देना है और उसके बाद डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, आपने अपनी ब्यूटी ब्लेंडर को कर लेना है गीला और उसे अच्छी तरह से निचोड़ देना है और उसके बाद इससे आपने अपनी बेस को अच्छी तरह से ब्लेंड करना है और आपने ब्लेंड करते जाना है जब तक कि आपको बिल्कुल स्मूथ सी फिनिश ना दे. इसके बाद हम अप्लाई करने वाले हैं कंसीलर और कंसीलर भी मैं फिंगर की ही हेल्प से लूँगी और इनकी स्किन पे अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी. इसके लिए मैंने आइवरी शेड यूज़ किया है क्रायलोन की टीवी पेंट स्टिक का और मैं इनके अंडर आई जो है कंसील कर रही हूँ. अंडर आई और इनकी आई का बेस भी मैं इसी से दूँगी. बहुत अच्छी तरह से इसकी आई बेस बनती है, एक क्लीन सा कैनवस मिल जाता है आपको आई मेकअप करने के लिए. कंसीलर को भी मैं यहाँ कर रही हूँ अच्छी तरह से ब्लेंड और ये मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ. मैं अपनी थर्ड फिंगर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि थर्ड फिंगर में हमारी जो रिंग फिंगर होती है उसमें बहुत अच्छी तरह से वार्म्थ होती है,
सबसे ज़्यादा फिंगर्स में से जो हमारी फिंगर में वार्म्थ होती है, गर्मी होती है, वो इसी फिंगर में होती है। और इसे अच्छी तरह से जो भी है आपकी स्टिक ब्लेंड हो जाती है। उसके बाद इसे करना है अच्छी तरह से ब्लेंड, और अपने पूरे स्किन को आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। और इसके बाद हम अप्लाई करेंगे ट्रांसलूसेंट पाउडर, ये लूज पाउडर से जो है आपकी स्किन पर जो बेस है वो बिल्कुल लॉक हो जाएगी और पसीना आने से ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बेस बनाएंगे तो आपकी बेस ना ग्रे करेगी, ना फटेगी, ना ब्लैक होगी, और पसीना आने से भी वो ख़राब नहीं होगी। इसके बाद हमने ट्रांसलूसेंट पाउडर या लूज पाउडर अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं ब्यूटी फाइबर आमने का ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई भी लूज पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इनके अंडर आई पर, इनके जो है कॉन्ट्रोल लाइन पर पाउडर अप्लाई करूँगी। इसके अलावा इनके जो जो फेस पर जहाँ जहाँ पर मेकअप और नेक पे हमने मेकअप किया है सब जगह पे जो है हमने ये अप्लाई कर देना है। हमने करना है भर भर के अप्लाई। उसके बाद हम इसे कर लेंगे डस्ट ऑफ। इससे परेशान बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि ये स्किन से चला जाएगा, जितने आपकी स्किन को नीड होगी एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद बाकी हम सारा ब्रश की मदद से डस्ट ऑफ कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बेस बनाएंगे तो आपकी बेस ना क्रैक होगी ना फटेगी, और बिल्कुल भी जो है आपको बेस के मामले में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हमने ये किया है स्टनिंग सा आई मेकअप। मैंने इनको इनकी स्मॉलर आइज के ऊपर कट क्रीज जो है वाला लुक दिया है, और बहुत खूबसूरत और नीट और क्लीन लुक आया था। इसका भी प्रॉपर ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया है, अगर आप सब कहते हैं तो फिर मैं उसे भी पोस्ट कर दूंगी। वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए मैंने उसे कट कर दिया है। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ बोटैनिक्स का ब्लश ऑन, और शेड है इसका रेड, और ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। थोड़ा सा ले लें तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होता है, और 200 रुपीज़ में मैंने एक लोकल कॉस्मेटिक शॉप से बाय किया था। जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर था वो सारा मैंने डस्ट ऑफ कर लिया है। और इसके बाद हम करेंगे कॉन्टोर, और मैं सेम ही ब्रश से कॉन्टोर कर रही हूँ। इनकी जो कॉन्टोर लाइन, इनकी जॉ लाइन जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मुझे बहुत कम जो है कॉन्टोर करना पड़ा। और सेम ब्रश से मैं इसे थोड़ा सा पकड़ के तिरछा करके इनकी नोज़ को भी हल्का सा कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोर के लिए मैंने क्रिस्टीन की कॉन्टोर पैलेट यूज़ की है इन द शेड नंबर 2। और उसके बाद जो है मैं फेसेट का हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। बहुत अच्छा हाईलाइटर है, और ये भी आपको अराउंड 500 जो है ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद मैं इनके क्यूपिड बो, इनकी ब्रिज ऑफ द नोज़, और इनकी जो है ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी। और बहुत मजे का हाईलाइटर है, एक सटल सी लुक देता है आपको, ज़्यादा जो है चमका नहीं देता, एक ज़्यादा जो है आपको फेक लुक नहीं देता, एक बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन लुक देता है। इनकी ब्रो बोन को हाईलाइट किया मैंने। इस आई मेकअप का ट्यूटोरियल भी मैंने रिकॉर्ड किया है, और ज़रूर वो आप सबके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्द ही। और टेक्निक से आई मेकअप करेंगे तो स्मॉलर आइज़ भी जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखने लगेंगी। आप देख सकते थे कि इनकी आइज़ कितनी स्मॉल थी, और इस मेकअप के बाद जो है इनके आइज़ कितनी लार्ज और बड़ी लग रही है। इसके बाद हम इनके लिप डन करेंगे, और लिपस्टिक आप देख सकते हैं मैं रेड शेड यूज़ कर रही हूँ, क्रिस्टीन की लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, और बहुत ज़बरदस्त लिपस्टिक है। और ये ब्रश की मदद से इनकी लिपस्टिक जो है अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको एक फुल लुक दिखाऊंगी, और कि इस तरह से इनका मेकअप हुआ हुआ है, और किसी किस्म का कोई फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ हुआ, बहुत ज़बरदस्त और क्या लुक क्रिएट हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।